मीठी चटपटी चटकारे दाल, हलवाई स्टाइल चाट वाली चटनी, जो हर चाट पकौड़ी समोसा टिक्की वड़ा सबका स्वाद जबरदस्त बढ़ा दे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल बाजार जैसी, चाट वाली दुकान जैसी चटकारेदार खट्टी मीठी चटनी। होली भी आने वाली है तो हम सभी के घर में चाट, समोसा, टिक्की, दही बड़ा ये तो बनते ही हैं, लेकिन इस खट्टी मीठी इमली की चटनी के बगैर सब अधूरा है। तो बस इसको पहले से बनाइए और होली के लिए फ्री हो जाइए। जिसको आप बस एक बार बनाइए, महीनों खाइए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद परल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। सुपर टेस्टी इमली की चटनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम इमली। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह की इमली बाजार में पैकेट आते हैं, ये मैंने वो ले ली है, इसे डीसीडेड इमली बोलते हैं। आपको अगर बाजार में बीज वाली मिले तो वो भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो बीज को निकाल दीजिए और इस तरह से इमली को तैयार कर लीजिए। थोड़े बहुत बीज अगर रह भी जाए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह हम बनाने वाले हैं, छानेंगे तो सारे बीज उसमें अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर इमली का यूज हम ऐसे नहीं करेंगे, इसका हमें चाहिए होगा एकदम फाइन पल्प। तो उसके लिए इमली को हमें पानी में भिगोना होगा लगभग एक घंटे के लिए। तो मैं यहाँ गर्म पानी ले रही हूँ, हमारा काम थोड़ा फटाफट हो जाएगा। गर्म पानी में डालने से इमली जल्दी से मुलायम हो जाएगी और पूरा पल्प हम आसानी से निकाल पाएंगे। ये वो चटनी है जिसके बगैर तो मतलब चाट बिल्कुल अधूरी है, चाहे वो दही पापड़ी चाट हो, दही बड़ा हो, समोसा हो, आलू टिक्की हो, इसके बगैर सब अधूरा है। एक बार अगर आप मेरी इस ट्रिक से इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाना जान लेंगे ना, एकदम हलवाई वाली चटनी घर में तैयार हो जाएगी और फिर इसे आप लंबे महीनों तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर जरूरी पॉइंट, बहुत ज्यादा पानी में नहीं भिगोएंगे, बस इतना कि इमली पूरी बढ़िया से डूब जाए। और ये देखिए, एक घंटा करीब हो गया है, इमली बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है। अब हम आसानी से इमली का पूरा पल्प निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको मिक्सी में नहीं चलाना है, बस इस तरह से ना हाथ से मसलना है। यही करते हैं हलवाई, तभी बनती है वो देसी स्टाइल की इमली वाली खट्टी मीठी चटनी। तो बस देखिए, हाथ से इस तरह मसलते जाइए और इसमें जो रेशे आप देख रहे हैं ना, उन्हें हम जब छानेंगे वो अलग हो जाएंगे। मिक्सी में पीसते तो क्या होता, वो रेशे भी पिस जाते और फिर आप जब चटनी को खाते तो वो मुंह में आते, इसलिए इस प्रोसेस से करना बिल्कुल बढ़िया रहेगा। लीजिए, बिल्कुल बढ़िया से मैंने इमली को मसल लिया है और आप देख सकते हैं एकदम गाढ़ा पल्प दिखाई दे रहा है। तो अभी ऐसे यूज नहीं करेंगे, अब इसको छानेंगे। एक छलनी लेंगे और सारा पल्प इमली का साफ छान लेंगे, चम्मच से बस इस तरह चलाते जाएं। जरूरत लगे तो थोड़ा सा यहाँ पर पानी डाल लें, ज्यादा पानी बिल्कुल ना लें, वरना क्या होगा, आपको बहुत देर तक चटनी को पकाना पड़ेगा और ज्यादा इमली पकाने से इमली में कड़वाहट आ जाती है। और ये देखिए, जो भी रेशे वगैरह थे सब अलग हो गए हैं। तो लीजिए, हमारा पल्प है बिल्कुल तैयार, एकदम स्मूथ। बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं हलवाई भी, बिल्कुल आप ये कंसिस्टेंसी देखिए, एकदम परफेक्ट। अच्छा, यहाँ पर इस पल्प के एक और फायदा, आप इस तरह से इसको फ्रीजर में लगभग 6 महीने के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। फिर चाहे तो आप सावर में डालिए इसको या किसी भी तरीके की चटनी में यूज कीजिए, कभी भी आप इस इमली के पल्प को यूज कर सकते हैं खटास के लिए। अब आते हैं उस सीक्रेट पर कि हलवाई की खट्टी मीठी इमली की चटनी में इतनी बढ़िया खुशबू और टेस्ट कैसे आता है। उसके लिए हलवाई डालते हैं रोस्टेड मसाले। तो हम भी उसी ट्रिक से काम करेंगे। गैस पर चढ़ाएंगे एक छोटा पैन, पैन में यहाँ मैं ले रही हूँ 1 बड़ा चम्मच हरी सौंफ, साथ ही मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च और साथ में जाएगा 1 छोटी चम्मच जीरा। इन चीजों को बिल्कुल लो फ्लेम पर सिर्फ कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। इससे क्या होगा कि जो खड़े मसाले में एसेंशियल ऑयल्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और खुशबू जबरदस्त आएगी जब आप इस मसाले को चटनी में डालेंगे। ये चेंज आप खुद देखेंगे। थोड़ा रोस्ट करके डालने से फ्लेवर एनहेंस भी होगा और चटनी की शेल्फ लाइफ भी ज्यादा रहेगी। मसालों में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो बस गैस को बंद कर देंगे और मसालों को पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। और सभी मसाले ठंडे हो जाने के बाद एक ग्राइंडिंग जार में डालकर दर दरा सा पीस लेंगे, यानी कोर्स, ना बहुत ज्यादा बारीक ना बहुत ज्यादा मोटा। ये लीजिए, मैंने मसालों को दर दरा सा पीस लिया है, तो इसको रखते हैं अलग, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब सबसे पहले गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही इसमें सबसे पहले हम डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे तो फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। साथ ही जाएगी इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग। अच्छे से सभी चीजों को तड़का लेंगे। अब जो नेक्स्ट चीज मैं इसमें डालने वाली हूँ वो है गुड़, यानी जैगरी। तो यहाँ पर मैंने लिया है 225 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने यहाँ पर क्रश कर लिया है। जितनी मैंने इमली ली थी 400 ग्राम, उसके अनुसार 225 ग्राम से लेकर 250 ग्राम गुड़ बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
तो गुड़ को भी यही डाल देंगे, क्रश करके जरूर डालिएगा, इससे कम समय लेगा गुड़ मेल्ट होने में, तो गुड़ में कड़वाहट नहीं आएगी। बड़े बड़े पीसेस डाल देंगे तो समय ज्यादा लग जाता है गुड़ को पकाने में। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 बड़ा चम्मच पानी, जिससे जो हमारा गुड़ है वो फटाफट से घुल जाए। फ्लेम को कर देंगे लो मीडियम, लगातार चलाएंगे और ये देखिए गुड़ बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो गया है। अब हमारी खट्टी मीठी इमली की सॉट में बिल्कुल हलवाई स्टाइल वाला टेस्ट आए, ग्लेज आए, शाइन आए, तो साथ ही मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 150 ग्राम चीनी। हलवाई लोग चीनी और गुड़ दोनों डालते हैं, तभी वो इमली की चटनी में जबरदस्त वाला टेस्ट आता है। आप चाहे तो उसे पूरी तरह गुड़ से भी बना सकते हैं या पूरी तरह चीनी से भी बना सकते हैं। इस तरह बनाएंगे तो सबसे बढ़िया बनेगी। चीनी भी यहीं पर बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। इस चटनी को बनाने के लिए जो सबसे मेजर चीज है वो है उसका सही माप। तो जो रेशो मैंने आपको बताया है इमली का, गुड़ का, चीनी का, बिल्कुल आप यही बनाइएगा, परफेक्ट टेस्ट आएगा आपकी खट्टी मीठी इमली की चटनी में। चीनी भी बिल्कुल बढ़िया से घुल गई है, तो अब इस स्टेज पर इसमें मैं डाल रही हूँ हमारा तैयार इमली का पल्प। सारा पल्प यहाँ पर डालकर बढ़िया से करेंगे मिक्स। अच्छा, अगर इमली का पल्प पहले डालते और गुड़ बाद में डालते तो क्या होता कि बहुत देर तक आपको इमली को पकाना पड़ता और साथ ही खटास की वजह से गुड़ और चीनी ज्यादा समय ले लेते पकने में, तो गैस भी हमारी ज्यादा बर्बाद होती। तो इस तरह आप बनाएंगे, काम जल्दी हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी थोड़ी ज्यादा थिक लगे तो थोड़ा सा आप यहाँ पर पानी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से करेंगे मिक्स। इमली की खट्टी मीठी चटनी ऐसी है कि अगर आप इसको ना डालें चाट में तो चाट का स्वाद ही अधूरा है। हर चाट की जार होती है चटनी, तो इसको अगर आप पहले से बना लेंगे तो होली भर ज्यादा काम नहीं फैलेगा। तैयार बस आप अपनी चाट को कीजिए, ये तो पहले से ही तैयार होगी। और जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि मिक्स में बढ़िया बबल्स आ रहे हैं। अच्छे से इमली को पकाना जरूरी है जिससे कि जो इमली की चटनी है वो जल्दी खराब ना हो। जैसे जैसे इमली पकती जाएगी ये जो आप इसमें बबल्स या झाग देख रहे हैं वो रिड्यूस होते जाएंगे। और ये देखिए हमारी इमली की चटनी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। तो बस इस स्टेज पर हम डालेंगे हमारे कुछ मसाले। तो सबसे पहले जाएगा हमारा तैयार सीक्रेट वाला मसाला, और यही पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच काला नमक। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 1 छोटी चम्मच रेगुलर नमक। नेक्स्ट इसमें जाएगा 1 छोटी चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सॉल्ट। 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर बहुत माइल्ड होता है, ज्यादा मिर्च नहीं होती, कलर अच्छा दे देगा। चाहे तो आप यहाँ पर रेगुलर मिर्च भी 1 छोटी चम्मच डाल सकते हैं। अच्छे से सभी चीजों को मिक्स कर देंगे। साथ में डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। ये देखिए क्या मस्त लग रही है। बस यहाँ पे जो आपको जरूरी चीज याद रखनी है कि आपको लो मीडियम फ्लेम पे धीमे धीमे इसको पकाना है, जिससे कि टेस्ट इसका निकल कर आए, साथ ही ये लंबे समय तक चल जाए। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी जबरदस्त टेस्टी हलवाई स्टाइल खट्टी मीठी इमली की चटनी। मैं स्पून डाल रही हूँ, आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया कोटिंग आ रही है, ज्यादा गाढ़ा बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि जैसे जैसे ठंडी होगी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस इस स्टेज पर बिल्कुल बाजार जैसा और शादी पार्टी वाला इमली की चटनी में लुक आ जाए, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच मेलन सीड यानी मगज के बीज। डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, यदि आप लाइक करें तो डालें, ना पसंद करें तो प्लेन भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने मेलन सीड्स को हल्का सा लो फ्लेम पर रोस्ट कर लिया था पैन में। हल्का सा रोस्ट करके डालेंगे ना तो कच्चापन नहीं लगेगा। तो यहीं पर डाल देंगे, अच्छे से करेंगे मिक्स। और ये देखिए आ गई ना वही हलवाई स्टाइल खट्टी मीठी इमली की चटनी का लुक। सिर्फ लुक नहीं, इसका टेस्ट भी बिल्कुल वही वाला है। तो बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे और इसको पूरी तरह ठंडा होने देंगे। और ठंडा हो जाने के बाद आप इसे एयर टाइट बॉक्स में भर करके रख लीजिए। 6 महीने भी ये बिल्कुल खराब नहीं होने वाली। अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे, बाहर भी रखेंगे तो 2 से 3 महीने आराम से चल जाएगी। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारी झटपट बनने वाली और बहुत बहुत काम की खट्टी मीठी इमली की चटनी। आप ये देखिए इसका टेक्सचर, कलर, कंसिस्टेंसी परफेक्ट बनी है और इतनी टेस्टी है, आप पराठा पूड़ी को भी इसके साथ एंजॉय करना चाहेंगे। बच्चों को बेहद पसंद आने वाली है। तो बस अब देर कैसी, बहुत ही आसान है, फटाफट बना लीजिए। फिर चाहे आपकी टिक्की चाट हो, समोसा चाट हो, पापड़ी चाट हो, दही वड़ा हो, या सेब पूरी चाट या मसाला चाट, हर चीज में ये बहुत काम आने वाली है, क्योंकि इसके बगैर चाट का फ्लेवर बिल्कुल अधूरा है। सभी तरह की होली के नाश्ते, चाट, इन सभी की रेसिपीज के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। लिंक पर क्लिक कीजिए और ढेरों होली के स्पेशल आइटम्स बनाइए घर में ही। बेहतरीन बनी है, नो फेल वाली रेसिपी है, जरूर बनाइए और मुझे जरूर बताइए कि ये चाट स्पेशल खट्टी मीठी इमली की चटनी की रेसिपी आपको कैसी लगी। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल कुक विद पारुल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।